हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग फ्रेंड। मेरा गमला ये बारिश में बहुत ख़राब हो गया था, बेबी सनरोज का, तो मैं कर ही नहीं पा रही थी। मुझे याद तो आता था, देखती थी तो याद तो आता हो या होगा, याद तो हमें आता ही है। गार्डन में देखते हैं तो सब काम करते हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा था और तबीयत ख़राब थी तो नहीं कर पा रही थी। तो बहुत सारा इसमें जो मैंने कटिंग रखा था वो सब ख़राब हो गया। बारिश तो चली गई फिर भी ये नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी फिर से, पर ये मैं गमला ठीक नहीं कर पा रही थी। कटिंग रखा था वो भी मैं नहीं लगा पा रही, और ये भी कटिंग भी खराब हो गया सब। तो भाई गमले में से मैंने ये निकाल दिया है और इसमें नई मिट्टी आधी डाली और मैं लगा रही हूँ फिर। और 2-3 गमले ऐसे हैं जो मुझे लगाना है, खाली पड़े हैं गमले, इसमें मैं कुछ ना कुछ लगा दूँ तो अच्छा रहेगा। ये बीच बीच में मैं लगाकर माटी मिट्टी इसमें डाल रही हूँ। तो फिर से मेरा ये गमला अच्छा भर जाएगा तो अच्छा लगेगा। पूरा अच्छे से मैंने आपके साथ शेयर भी किया था ये गमला, आपने देखा था सबको, सबने कैसा भरा था पूरा, तो खराब हो गया। तो वैसे ही बस लगा रही हूँ। ये तो इतना खराब नहीं होता, पानी में खराब गल जाता है फ्रेंड, तो ये पानी में गल गया बहुत ही ज्यादा। फिर मैंने बारिश में अंदर ले लिया था, पर एक बार गल गया, पानी ज्यादा हो गया तो बस नहीं बचा पाते हम। तो मैं ये लगा दिया है, नई मिट्टी डाल दी, खाद डाला है, तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो फ्रेंड ये मैंने लगा दिया है, अब पानी दे दूंगी इसे। और एक ये गमला है फ्रेंड, इसमें भी मुझे कुछ लगाना है, ये खाली पड़ा था। आधी मिट्टी भरी है इसमें। इसमें मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया था फ्रेंड, तो मैं इसमें और कुछ लगाना चाहती हूँ। आधी मिट्टी है इसमें, थोड़ी बहुत निकाल ले रही हूँ, थोड़ी खाद वाली मिट्टी डाल के मैं लगा दूंगी तो अच्छा हो जाएगा। थोड़ी खाद वाली मिट्टी डाल दूँ फ्रेंड। ये चिट्टियों का पाउडर जो इसमें डालते हैं थोड़ा बहुत, तो चिट्टियाँ नहीं आती है। मैं हर गमले में मिट्टी में भी डालती हूँ और गमले में तले में भी डालती हूँ तो अच्छा रहता है फ्रेंड। ये चिट्टिया वाला पाउडर अच्छा रहता है, चिट्टियाँ नहीं आती इसमें। इसमें मैं ये लगाना चाहती हूँ फ्रेंड, देखिए ये भी थोड़ा खराब होने लगा है। इसमें लगेगा तो अच्छा रहेगा, तो इसमें से मैं निकाल रही हूँ। इसमें भी मैंने कटिंग लगाया है, ये खाद सब मिलेगा तो ठीक हो जाएगा। देखिए इसकी जड़ें भी अच्छी है, छोटे गमले में था, अब इसी में लगा रही हूँ। मैं थोड़ी और मैं नीम खली लगा डाल देती हूँ, थोड़ी इसमें फंगस जैसा लग रहा है तो कुछ ख़राब ना हो इसलिए। ऐसे गमले में फ्रेंड ये ऐसे पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, दिखता है अच्छा है, पूरा कवर कर लेता है। तो मैंने इसमें स्पाइडर प्लांट लगाया तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो बहुत साल हो गए थे इसमें, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग इसमें लगाऊँ तो अच्छा रहेगा। ऐसे मेरे पास 3 गमले हैं, तो बस ये लग गया फ्रेंड, कोई देर नहीं लगी, बस लग गया। देखिए इसमें थोड़े छोटे छोटे फ्लावर भी आ गए हैं फ्रेंड, वो मैं निकाल दे रही हूँ।
तो अच्छा रहेगा। और थोड़े दिन के बाद इसका ऊपर से मैं अच्छी ग्रोथ हो जाए तो मैं ऊपर से काट के दूसरी जगह लगा दूंगी। अभी लगाया है तो काटूंगी नहीं ऊपर से, बस ऐसे ही लगा दिया फ्रेंड। तो अब इसमें पानी में दे दे रही हूँ। और एक और भी गमला है फ्रेंड, वो मैं ला रही हूँ अभी। देखिए फ्रेंड, इसमें भी ये स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है, एरिगेटेड वाला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गमला पूरा ढक देता था पर इसमें भी बहुत जड़े हो गई है, पूरा गमला जड़ों से भर गया। देखिए, तो मैं सोच रही थी कि इसे निकाल दूं, तो छोटे गमले में लगा दूंगी और इसमें मैं और कुछ लगा दूं। तले में मैं ये नेट रख देती हूँ और चिट्टी का पाउडर डाल दूँ थोड़ा, ताकि चिट्टी, कान खजूरा कुछ इसमें ना आए, अच्छा रहेगा। स्पाइडर प्लांट में इसमें लगा दूंगी फिर, छोटा है तो अच्छा रहेगा, इसमें आ जाएगा। कितने सालों से फ्रेंड इसमें लगा था मेरे, और जो स्पाइडर प्लांट था वो तो मैंने चेंज किया। चेंज करते रहना फ्रेंड तो अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जड़ें बहुत आ जाती है। देखिए, ये स्पाइडर प्लांट से ज़्यादा इसकी चार गुना इसकी जड़ें हो गई है। तो मैंने चेंज ही नहीं किया था, देखा ही नहीं था, तो मुझे मैं सोचा कि गमला ही चेंज कर दूँ, इसका छोटे गमले में डाल दूँ तो अच्छा रहेगा। तो फिर ये मैं लगा रही हूँ। इसके लिए गमला तो थोड़ा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में गमला पूरा भर जाएगा। ये कटिंग से अच्छे से लग जाता है फिर। तो मैं लाई थी गमला, लाई थी नर्सरी से, बैग बैग में आया था। तो अब इसमें लगा रही हूँ मैं, थोड़े दिन में गमला पूरा कवर कर लेगा। इसका इतना छोटा कटिंग हो तो भी फिर लग जाता है। लगाकर मैं छांव में रख दूंगी जितने पौधे लगाए हैं, क्योंकि धूप बहुत यहाँ हमारे यहाँ तेज है। तो वैसे भी पौधे को लगाकर हम छांव में रखते हैं तो अच्छा ग्रोथ कर देता है, लग जाता है अच्छे से। मुझे ये इसमें लगाना था। और भी एक ऐसा गमला है, उसमें भी स्पाइडर प्लांट लगा है, पर अभी मैं वो नहीं निकालूंगी। इसको मैंने बस ये कवर कर लिया है, लगा दिया है, इसको पानी दे दूंगी मैं। और ये स्पाइडर प्लांट को जड़ों से अलग कर लूं, बहुत ही ज्यादा हो गई थी जड़ें इसकी, तो ये निकाल दिया फ्रेंड मैंने। देखिए, ऐसे ही मैं लगा दूंगी, ये खराब पत्ते हो गए वो निकाल दूं, बाकी जो मैं छोटे गमले में या बोतल में लगा लूंगी, बोतल में भी अच्छा रहता है फ्रेंड, ये बहुत ग्रोथ करता है अच्छा। बड़ा गमला इसके लिए नहीं चाहिए फ्रेंड, तो बहुत ही जड़े बहुत ज्यादा हो जाती है। छोटा गमला रहता है तो भी जड़े तो होती ही है पर कम होती है थोड़ी, बड़ा गमला है तो उसे फूलने फलने का बहुत ही ज्यादा जगह स्पेस मिल जाती है, तो बहुत ग्रोथ हो जाती है इसकी। मैं अब ये इस बोतल में लगा रही हूँ। देखिए, ये छोटी सी बोतल है, कलर इसका निकल गया, अब लगा दूंगी कलर इसमें, थोड़ी मिट्टी निकाल दूं। स्पाइडर प्लांट परमानेंट प्लांट है फ्रेंड, और कोई भी गमला, छोटा मोटा, बोतल हो, कुछ भी हो, छोटे से गमले में भी ये
हो जाता है फ्रेंड्स। देखिए बोतल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड थोड़ी सी मिट्टी इसमें आती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा नहीं आती। मैंने ये हैंगिंग बनाया है, देखिए इसमें थोड़ी मिट्टी आती है फ्रेंड, तो पूरा अच्छे से भर गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड। तो बाय फ्रेंड, मेरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी बोतल में फ्रेंड सब कुछ लगा रख सकते हैं। बड़े जो पौधे होते हैं वो नहीं, पर ऐसे पौधे परमानेंट पौधे होते हैं वो लगा सकते हैं फ्रेंड। तो बाय।